तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो जस्ट कबड्डी लीग खेली जा रही है भाई, इसका जो आज के दिन का पहला मैच और टूर्नामेंट का भाई मैच नंबर फोर्थ जो कि खेला जाएगा यहाँ पर BAN वर्सेज MUM, यानी कि भाई यहाँ पर अगर बात करें तो बेंगलोर टाइगर्स वर्सेज मुंबई मास्टर्स के बीच में मैच खेला जाएगा। और इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट देख लेना है। एक-एक प्लेयर के बारे में यहां पर आपको बताऊंगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे ही प्लेयर्स के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि भाई देखिए ये नया टूर्नामेंट और फर्स्ट टाइम भाई ड्रीम इलेवन पर फीचर हो रहा है और दोनों ही टीम्स का पहला मैच रहेगा। तो भाई यहां पर है ना थोड़ी सी आपके लिए दिक्कतें आने वाली है, स्टार्टिंग का मैच है इसलिए। तो इस मैच में है ना आप GL पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, स्मॉल लीग पे आप थोड़ा कम फोकस करोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन जब सभी टीम्स के एक एक मैच हो जाएंगे ना, उसके बाद भाई हम क्लियर यहां पर फोकस रखेंगे कि कौन से हमें प्लेयर्स लेने कौन से नहीं लेने, फिर हमारे पास थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलूँगा जो भी आपको वीडियो वगैरह किसी की भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं ये चीज़ आपको क्लियरली बोलूँगा कि किसी भी एक प्लेयर के बारे में भी यहाँ पर कहीं पर भी भाई कुछ भी मैंशन नहीं किया गया। यहाँ पर भाई कुछ प्लेयर्स हैं जिनके बारे में मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनका रिकॉर्ड है, लेकिन वो यहाँ पर आपके काम शायद ना आ पाए, ठीक है। और बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है नहीं किसी प्लेयर के बारे में, अभी बस मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबल स्टार्टिंग 7 बता सकता हूं कि कौन से 7 प्लेयर के खेलने के ज्यादा चांसेस है दोनों टीम्स के, ठीक है। और उसी हिसाब से मैं आपको टीम बना के दिखाऊंगा आगे। भाई जो भी मेरी फाइनल टीम होगी वो आपको मिलेगी कहां पर, टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि हो सकता है भाई दोनों टीम्स का पहला ही मैच है तो स्टार्टिंग 7 में कुछ बड़े चेंजेस दोनों टीम्स कर दे। तो उस कंडीशन में जो भी मेरी अपडेटेड टीम होगी वो कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। बात करें अगर कल के मैचेस के रिजल्ट्स की तो वो भी आप यहां पर देख सकते हो, वन साइडेड यहां पर भाई हमने विनिंग किया। भाई चाहे बात करें स्मॉल लीग की, GL मिनी GL में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिए हमने, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो वन साइडेड विनिंग यहां पर हमने की हुई है, ठीक है। लगातार आपको अच्छी खासी विनिंग यहां पर होती दिखेगी और यहां पर आप देखोगे तो सारे के सारे मैचेज में हमने अच्छी खासी विनिंग की हुई है। अब यहाँ पर अगर बात करें भाई दोनों टीम्स के स्क्वाड की तो स्क्वाड भी आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको ये बता देता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है। देखिए दोस्तों, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ये सिर्फ आपकी गलती है, क्योंकि भाई उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ लिंक प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ज्वाइन करना आपका ही काम है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन वाला लिंक अगर वर्क ना करे तो वीडियो के फर्स्ट कमेंट वाले लिंक से ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट कमेंट वाले लिंक से ट्राई कर रहे हो, वो अगर वर्क नहीं कर रहा तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ भाई वीडियो को अगर एक लाइक कर दोगे तो यार काम करने में मजा आएगा, वीडियोज वगैरह बनाने में मजा आएगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ भाई यहां पर मैं 3 से 4 GL के कॉम्बिनेशन भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, तो जाइए भाई अभी के अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बाकी चलिए हम बात करते हैं दोनों टीम्स के स्क्वाड के बारे में, उसके बाद भाई बात करेंगे दोनों टीम्स के क्या कुछ स्टार्टिंग 7 यहाँ पर रह सकती है। तो यहाँ पर भाई अगर बात करें सबसे पहले बेंगलोर टाइगर्स की, तो इनकी तरफ से रेडिंग सेक्शन में आपको यहाँ पर 3 प्लेयर दिखा रखे हैं। गणेश मानिक आपको दिखेगा, सौरभ मलिक दिखेगा, इसके अलावा सुमित रनवाल आपको यहाँ पर दिखने वाला है। बात करें अगर डिफेंस सेक्शन की तो यहाँ पर सौरभ दिखेगा, राहुल फासले दिखेगा, अंकित दिखेगा, कृष्ण यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ऑलराउंडर सेक्शन में काफ़ी सारे ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ, यहाँ पर फैन कोड पर अलग सेक्शन है, ऑलराउंडर सेक्शन का सेक्शन अलग, और यहाँ पर कुछ ऑलराउंडर सेक्शन के प्लेयर आपको रेडिंग में दिखेंगे, कुछ आपको यहां पर डिफेंस में भी दिख जाएंगे ड्रीम इलेवन पर, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो अभिषेक रजक दिखेगा, जमीर पठान दिखेगा, मुशैब राव दिखेगा, रितेश नरवाले दिखेगा, राकेश भूरिया आपको दिखेगा, इसके रुकेश भूरिया भाई, इसके अलावा सैफरिक आपको दिखेगा, सौरभ ठाकुर आपको दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और आपके लिए बता दूँ कि दोनों टीम्स ने 14 मतलब दोनों टीम्स नहीं सभी टीम्स ने 14-14 प्लेयर्स की स्क्वाड बनाई हुई है और उनमें से कोई 7 प्लेयर उतरने वाले हैं। बात करें मुंबई शहर की तो रेडिंग सेक्शन में यहाँ पर सिर्फ एक प्लेयर दिखा रखा है, सुमित सिंह। और यहाँ पर अगर बात करें नीचे डिफेंस में तो यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सूरज कोरे, दीपांशु, जीत कुमार, रोबिन मान, रोहित शर्मा, इसके अलावा सुधीर राजभर, अंकुश मलिक, मयूर माने, पुलकित परवासर। और ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो गौरव खत्री दिखेगा, जुम्मा सुल्तानिया दिखेगा, इसके अलावा यहाँ पर कुरु पासमी कोनर आपको दिखेगा, शिवम जायसवाल दिखेगा, विनय दहिया यहाँ पर आपको दिखने वाला है। तो ये तो हो गई भाई स्क्वाड की बात। अब अगर यहाँ पर भाई बात करें
तो स्टार्टिंग सेवन क्या रहेगी वो यहाँ पर डिस्कस करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग सेवन ही एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर सबसे पहले देखें हम स्टार्टिंग सेवन बंगाल सॉरी बेंगलोर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जे पठान आपको दिख रहा है, ए रज्जाक दिख रहा है। अभिषेक रज्जाक मेरे हिसाब से मस्ट टॉपिक रहेगा। जे पठान को आप ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं अपनी टीम में शायद इनको ड्रॉप करके चलूँ। फाइनल टीम में भाई देखते खेलता नहीं खेलता। बाकी ये दोनों यहाँ पर मेरे हिसाब से स्टार्टिंग सेवन में रहेंगे। इनके साथ भाई कृष्ण के भी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज है। तो यहाँ से तीन डिफेंडर आपको खेलते दिख सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में आर भूरिया एम राव में से कोई एक आपको खेलता दिख सकता है। और डिफरेंशियल पिक के तौर पर अगर मतलब कोई एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाना पड़ा तो भाई इन दोनों में से किसी एक टीम उतार सकती है। बात करें अगर रेडिंग सेक्शन की, तो यहां पर भाई सौरभ आपको दिखेगा, ठीक है। या इसके अलावा यहां पर देखिए, एक मिनट भाई, यहाँ पर अगर बात करें तो सौरभ आपको खेलता दिखेगा। इसके अलावा एस रनवाल आपको खेलता दिखेगा। और यहाँ से अगर बात करें तो आपको गणेश मानिक भी खेलता दिख सकता है, बट ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर आपको एस रनवाल और सौरभ ही खेलते दिखेंगे। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर सामने वाली टीम की, तो सामने वाली टीम से भी देख लेते हैं। यहाँ पर गौरव खत्री आपको दिखेगा, जो 100% आपकी टीम में भी रहना चाहिए। इवन कैप्टनसी का सबसे सेफ ऑप्शन भी रहेगा मेरी टीम में। भाई अभी के लिए मैं कैप्टन इसी को करके चलूंगा। हो सकता है फाइनल टीम के टाइम में कुछ चेंजमेंट करता नजर आऊँ, बट अभी के लिए मेरी जो टीम रहेगी उसमें कैप्टन यही रहेगा। इनके साथ कौन खेलेगा, इनके साथ भाई यहां पर आर शर्मा, रोहित शर्मा खेलता दिख सकता है, एस सिंह यहां पर खेलता दिख सकता है, या फिर इन दोनों में से कोई एक भी आपको खेलता दिख जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो विनय दहिया आपको दिखेंगे, इसके अलावा एस राजभर भी आपको खेलता दिख सकता है। चांसेस काफी आई है कि दो ऑलराउंडर्स के साथ टीम जाए, बट एक ऑलराउंडर तो यहां पर विनय दहिया आपको खेलता दिखेगा ही दिखेगा। यहां से अगर बात करें तो भाई यहां पर एस जायसवाल आपको खेलता दिखेगा, इसके अलावा भाई आर मान आपको खेलता दिखेगा, एम माने आपको खेलता दिख सकता है, ठीक है। और अगर यहां पर भाई ऑलराउंडर सेक्शन में एस राजभर या फिर भाई के कोनर को टीम नहीं लेती, तो भाई यहां पर फिर ए मलिक को भी टीम ट्राई कर सकते हैं, या फिर जय कुमार पटेल को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर बात करें टीम की, तो चलिए मैं टीम तो अभी बना के दिखा देता हूं, लेकिन अभी जो टीम बना के दिखा रहा हूं ना, ये सिर्फ एक डेमो टीम होगी। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले भाई यहां पर जय पठान एस जायसवाल दोनों को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं, सॉरी जय पठान को नहीं रख रहा, एस जायसवाल और ए रजाक दोनों को टीम में रख रहा हूं। यहां पर आर मान को अपनी टीम में रखेंगे। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, तो आर भूरिया विजय दहिया को टीम में रखेंगे। यहां पर गौरव खत्री और एस रुनवाल को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं। टीम के प्रीव्यू की बात करें तो कुछ इस प्रकार की टीम दिख रही है। बात करें अगर सीबीसी की, तो कैप्टनसी मेरी गौरव खत्री के साथ जाएगी। वीसी भाई यहाँ से मैं विनय दहिया को लेकर चल रहा हूँ। ए डिफरेंशियल सी वीसी की बात करें तो एस अरुणवाल आपके लिए रहेगा, या फिर ऊपर से एस जायसवाल को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। टीम की अगर प्रीव्यू की बात करें तो टीम आपकी स्क्रीन पर है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल टीम है। कोई भी अगर चेंजमेंट होता है तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।